ले 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 ले। स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। रेमुलेशन ऑफ कैंपर का ये पार्ट 126 है और अपोनेंट है स्नैप तन्मय 331। गजब का आइटम लाया हूँ दोस्तों आज आप लोगों के लिए। सामने है बेवड़ा चाचा हम लोग का लिंग। योर लिंग के साथ शुरुआत की है फाइट। लो अटैक, स्पिनिंग अटैक जो कि मुझे खास पसंद नहीं है यूलिंग का। अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं इस अपोनेंट को माता आई है दोस्तों। कितने अच्छे से खेल रहे ना हम लोगों को लग रहा है। कितने अच्छे प्लेयर है अरिना में अवेलेबल है अभी भी। और एस जी जी ऐसे ही कैंपर टैग दे रहा है लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों। इन लोगों की असली औकात आप लोगों को पता चल जाएंगी जब एक लोग एक राउंड हारेंगे। और ऐसे आप लोग देखे ही होंगे इसके टीम में मिडनाइट है और मिडनाइट प्लेयर्स कितने पीरो है हम लोग सभी जानते हैं। और बहुत दिनों से मैं मांग कर रहा हूँ मिडनाइट नर्फ के लेके लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जिन कैरेक्टर्स को ज़रूरत नहीं है नर्फ की उनको मिल जाता है, कोई बात नहीं। चलिए मिडनाइट से मिलते हैं हम लोग। शिट नाइट आ रही है अरीना में, स्वागत करते हैं हम लोग। आयरन क्लैड रहता तो लॉलीपॉप चूसा था लेकिन चलिए आप लोग के लिए अब मैं आयरन क्लैड टीम में वापस रखने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद का मेरे ख्याल से जो ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का पार्ट आएगा उसमें डेफिनेटली आयरन क्लैड का गेम प्ले होगा, लॉलीपॉप चुसाने वाला। ये देखिए ये है असली औकात दोस्तों। ये लोग एक बेसिक कैंसिल करके डायमेंशन शिफ्ट में जाते हैं और अपने आप को इतना पीरो समझते हैं दोस्तों कि इनके जैसे स्किलफुल प्लेयर्स अरीना में है ही नहीं। काफ़ी लोग स्किल्स की बात करते हैं, गवार को पता नहीं है कि भैया स्किल्स में भी ऑनर होना चाहिए। और SFA में 90% प्लेयर ऑनर के साथ तो खेलते ही नहीं है। ऐसे ही प्लेयर्स मिलेंगे आप लोग को दोस्तों लेकिन गवारों को कौन समझाए। ये देख रहे हैं इसको, या तो ये बेसिक कैंसिल कर रहा है या ये स्पेयरिंग अटैक कर रहा है। रेंज वेपन भी रखा है वही टैलेंट वाला दोस्तों, प्रिसाइज शिफ्ट या डायमेंशन शिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ग्रैब कर लिया, ये देखो। मतलब मिडनाइट से भी ज़्यादा अनोइंग किसी को यूनलिंग कैसे लग सकती है। सबसे ज़्यादा अनोइंग तो मिडनाइट है दोस्तों, दिख रहा है इस गेम प्ले में। कोई बात नहीं, किंग को बुलाते हैं। बवा काफ़ी उछल रहा है, किंग सारी हेकरी निकालने को तैयार है। रॉयल्टी देखिए अपने किंग की, हालांकि नया स्किन मुझे अभी तक मिला नहीं। कल के वीडियो में आप लोग को बताया था थोड़ा अनलकी, हालांकि इस मामले में अनलकी ही हूँ दोस्तों। यहाँ पे बवा का शेडो वो मिस हो गया। बवा गवार कैंपर है, बवा को रगड़ने आता है, सिर्फ रगड़ के जीतना है बवा को। चलिए तैयार हो जाइए। ये रहा शैटरिंग स्वॉट, स्कॉर्च फिशर, एक लो अटैक, सोल यूनिसन बाय शिट नाइट। शिट नाइट गई है शिट करने दोस्तों। चलते हैं उसके आखिरी हीरो की तरफ जो कि सार्ज है। प्राइड का जो स्टांस है, इन जैसे प्लेयर्स जो है दोस्तों इनका नाम जो है ना गिरा देते हैं। ये देखो असली औकात दिखा रहा हूँ दोस्तों, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ SGG के पास मिलेगा। ये है इन लोगों की असली औकात। यहाँ पे मुंह पे पड़ी एक लात, किंग की लात, एक सोल यूनिसन। बवा सदमे में है दोस्तों, बवा सोच रहा है मैं क्यों आया ही खेलने, काश इस टाइम पे मैं पढ़ाई कर लिया होता। शैडो मूव ने बचा लिया उसे दोस्तों, नहीं तो वहीं पे ख़त्म था। हाले ले बवा को मुंह पे पड़ी है स्वॉर्ड, बवा का कमांडर प्रेस मिस हो गया। अले ले बवा को फिर से माता आ गई। बवा रगड़ने के साथ अब जंप कर रहा है दोस्तों, आगे आ रहा है। उसका रिवेंज फॉर द फॉलन और किंग डार्क वेल में। कोई नहीं, शेडो बार मिलेगा और ख़त्म करते हैं। शैटरिंग स्वॉर्ड, स्कॉर्च फिशर और यहाँ पे ग्रैब, खेल खत्म। अले ले बवा हार गया, बवा का रगड़ा ही काम नहीं आया, बवा उछल रहा था, बवा उछलना बंद कर दिया। चलते एक और प्लेयर की तरफ दोस्तों और देखते हैं कौन सा आइटम है दूसरा। MNJ जैक बुलवार के साथ शुरुआत किया है, असॉल्ट फोर्ट्रेस, साथ में हीटेड गन। यूनलिंग के साथ फिर से शुरुआत किया हूँ फाइट। काफ़ी दिन यूनलिन चलाया दोस्तों, लगभग लास्ट सीजन पूरा यूनलिन चलाया, तो इस सीजन मैं आयरन क्लैड से शुरुआत करूँगा।
यहाँ पे पढ़िए स्पेशल अटैक, अप अटैक, जंप किक, और यहाँ पे उसका अप अटैक। हाँ रोल अवे करना चाहिए था, खैर कोई नहीं। हेल्थ रिजनरेशन यूलिंग का काफ़ी ज़बरदस्त है। इस अपोनेंट को भी जैसा आप लोग देख रहे दोस्तों, माता आ चुकी है फर्स्ट राउंड में। आजकल सभी को माता आ जाती है जब भी मैं मिलता हूँ रैंक में। उसके बाद ये लोग रगड़ने लग जाते हैं हारने के बाद। और यहाँ पे स्कॉर्चिंग मून बीम ने बुलवार को ख़त्म कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। लिंक्स, लिंक्स है सामने। फाइट, लो अटैक, परफेक्ट सेट। आहा, लिंक्स का लेकिन लो अटैक काफ़ी फास्ट है, बहुत नोटिस किया हूँ। क्लोज रेंज में कोई भी अटैक करने जाओ उसका लो अटैक जो है कनेक्ट हो ही जाता है। ये देखिए हम लोगों को बेसिक और लो अटैक देखने को मिल सकता है दोस्तों। हंटर इन द शैडोज, और यहाँ पे उसका शैडो मूव, और यूनलिंग मेरे ख्याल से हार चुकी है। कोई बात नहीं, सबके दिलों की धड़कन, सबके दिलों की हुंकार हेलगा रानी का स्वागत करते हैं। आसमान से आई परी करेंगे खाट कुत्तों की खड़ी। फाइट, आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अप अटैक करेक्ट नहीं हो रहा है हेलगा का, लिंक्स के सामने खास करके। बहुत कोई बॉम्ब का इस्तेमाल करके या फिर लो अटैक, लो अटैक में तो मेरे ख्याल से अप अटैक कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बॉम्ब के सामने आई थिंक रेंज कम पड़ जाता है। मुंह पे पड़ी है लात, और या फिर से लो अटैक, जैसा आप लोगों को बताया शेडो मूव। और ये बेवकूफ को पता नहीं है कि लाइट इन द शेडोज है, और ये यहीं पे गया। जी हाँ दोस्तों, गला घोट गया लिंक्स का, लिंक्स को पानी भी नसीब नहीं हुआ दोस्तों। चलते हैं उसके आखिरी हीरो की तरफ जो कि जेट है। अगर दो राउंड में आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसा प्लेयर है, तो जी हाँ दोस्तों दिल थाम के बैठिए। ये देखिए असली औकात इन कुत्तों की। हालांकि मैं बहुत बार जंप किक कर देता हूँ, बहुतों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन गवारों को कोई समझाए तो कितना समझाइए। देखिए ये है गवारों की पहचान दोस्तों। शाइनिंग डैश, एक हैवी, बेचारा सोच नहीं पा रहा है कि क्या हो गया उसे। आलेले बवा खड़ा है मूर्ति की तरह, बवा बेबस हो गया है। बवा को मुंह पे पड़ी है रेंज वेपन, एक हैवी, एक शाइनिंग डैश, और यहाँ पे जी हाँ दोस्तों इसने सरेंडर कर दिया। आलेले बवा सरेंडर कर दिया, बवा से रहा नहीं गया, कितना भी छुपाने का कोशिश किया बवा छुपा नहीं पाया। आशा करता हूँ दोस्तों इमोल्यूशन ऑफ कैंपर का ये पार्ट आप लोग को पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।